यह बात आज भी दोनों देश के इतिहास के पन्नों पर अंकित है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की एकता और अखंडता पर हमला बोलने वाले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को करारा जवाब देने हेतु हमारी सेना और सरकार का भरपूर समर्थन किया है। कांग्रेस और पूरा देश आज भी इस संकल्प पर अडिग है, पर दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता की लालसा देश की सेना और शहीदों के सम्मान से बड़ी है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ाई है, इसलिए 14 फरवरी से 7 दिन तक शहीदों के सम्मान में मौन रहकर हम यथार्थ तथ्य देश के समक्ष रखने को आज मजबूर हैं। पहला, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर सस्ती राजनीति का खेल खेला। जो अब उपलब्ध हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब पूरा देश 3:10 पर पुलवामा में हमारे शहीदों के बम से उड़ाने के सदमे से जूझ रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री इस अमानवीय कार्य में लगे थे, अपने प्रचार और प्रसार की फिल्म की शूटिंग वहां पर कर रहे थे। और बात यहां खत्म नहीं होती, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पत्रकार साथियों ने लिखा। 3:10 पर यह खबर आ गई, 5:15 पर कांग्रेस ने भी अपना रिएक्शन दे दिया, पर मोदी जी क्या कर रहे थे ये बात, और ये मैं आपको दे रहा हूं। उधर दिन बार मैं ये पढ़कर बता रहा हूं जो मोदी जी की दिनचर्या रिपोर्ट हुई। उधर दिन भर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण करने के बाद शाम 7:45 प्रधानमंत्री का काफिला धनगढ़ी गेट से निकला।